मेरे रस के कमर। अरे भाई साहब बहुत शिद्दत से लिखा है, गंदी राइटिंग में बा लेकिन बहुत बढ़िया लिखा हुआ। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, ये 25 रुपए के पेन से लिखा है। मेरे रस के कमर? बिल्कुल भैया, कौन सा? चौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गांव में जाके चपक जाएगा। बेवकूफ तुम जाओ। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? काहे कभी सम्मेलन के गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपीड गाना सुना रहे? अरे भैया कोई और गाना सुना था चौहान जी। अरे भैया कोई और सुन लो, उसमें का बा? कोई और। ले सुनो कि कोई दीवाना कहता है। तुम्हारा है? चौहान जी, चौहान जी बगला गए क्या? कुछ अपना सुनाइए, तरकता भड़कता एकदम। लो भैया तरकता भड़कता, लो अब बिल्कुल तरकता भड़कता सुना रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, माइक पे ना घुसो मुंह चपक जाएगा। हेलो 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 हेलो, अरे चंदा मामा पहलन पंजामा। हेलो, इसका दिमाग खराब करे। हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा करत कवि सम्मेलन में। तो काय आए हुए हो? मजा। माफ कीजिएगा भाई लोग, आप सबको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमीन पर रहते पशु। क्या बात है बाबा। आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमीन पर रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए जाने दीजिए, समझिए में नहीं आ रहा है। अगले कवि का स्वागत करिए श्री चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए जी चप्पल जी, आइए। चंदन लिखा भाई साहब, किस तरह पढ़ते हैं? नमस्ते, मैं आज यहाँ। अरे तुम वही हो ना जो कल छत पर चढ़ के मुझे देखकर हंस रहे थे और दांचिया रहे थे? बताओ, बोलो 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 बोलो। और हमने कहा भी था कि तू कैसा कुत्ते जैसा दिख रहा है मुझे, है ना, है ना, है ना, है ना? हाँ। मैं बचपन में निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को?